आज हम ब्रेड से बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाएंगे, वो भी बहुत कम समय में। ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे एक वीक तक आराम से खा सकते हैं। मिठाई बनाने के लिए 7 पीस ब्रेड और 100 ग्राम चीनी लिए हैं। सबसे पहले चाशनी बना लेंगे, उसके लिए पैन में चीनी और पानी डाल लेंगे। उसके बाद एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर और थोड़ा सा फूड कलर डाल लेंगे। उसके बाद 4 से 5 मिनट चाशनी को पका लेंगे। चाशनी हमारा बनकर तैयार हो गया है, अब इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हम ब्रेड को काट कर तैयार कर लेंगे। आप इसे छोटा ग्लास या कटोरी किसी से भी काट सकते हैं। इसी तरह से सारे ब्रेड को काट कर तैयार कर लेंगे। अब थोड़ा सा दूध के मलाई में बादाम काट कर डाल लेंगे। उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे। आपके पास दूध का मलाई ना हो तो आप नॉर्मल दूध में मिल्क पाउडर डालकर इसे तैयार कर ले। उसके बाद जो ब्रेड काट कर रखे हैं उसके ऊपर डाल लेंगे। अब इसके ऊपर दूसरा ब्रेड रख कर हाथ से थोड़ा प्रेस कर देंगे। इसी तरह से सारे ब्रेड को तैयार कर लेंगे। चाशनी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब ब्रेड को चाशनी में डालकर दोनों तरफ से डीप करके निकाल लेंगे। उसके बाद नारियल के बुरादा से कोटिंग कर लेंगे। सारी मिठाई को बनाकर प्लेट में निकाल लिए हैं। देख सकते हैं कि बहुत ही कम खर्च में इतना डिलीशियस मिठाई बनाकर तैयार कर लिए हैं। आपको जब भी थोड़ा मीठा खाने का मन करे तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप भी बनाइए और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए कि कैसा बना, और आगे कौन सा रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में शेयर कीजिए। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू।